बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो, इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं। हम बता रहे हैं लालू जी से निकलना तो है मगर रास्ता नहीं बचा है। प्राइम मिनिस्टर शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मुजफ्फरपुर पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां आज पता ही के इसी मंच से उन्होंने नीतीश कुमार और इंडिया एयरलाइंस जो है उस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वह बिहार के लोगों को शराबी बना दिए। आज शराबबंदी की बात करते हैं, वही लोगों को उन्होंने शराबी बना दी। वही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के शासनकाल में जो अपराध था उसके खिलाफ नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे बीजेपी के साथ मिलकर और उन्हें सत्ता मिली थी, और आज उसी अपराध की गोट में जाकर नीतीश कुमार बैठ गया है। वह कुर्सी के लिए लगातार पलटते हुए रहते हैं। उन्हें वही उन्होंने अपने तकरीबन 20 मिनट के संबोधन में नीतीश कुमार को कई बार पलटू का नाम दिया है, पलटू राम कहा है। वही पूरे सभा के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको सुनाते हैं। मित्रों, ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं, एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूँ, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो, इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं। मैंने पहले ही कहा था आप माने नहीं, तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं, क्या गत कर रहे हैं। और अब हर रोज छटपटा रहे हैं लालू जी से निकलना तो है मगर रास्ता नहीं बचा है। कभी कांग्रेस को गाली बोलते हैं, कभी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। माताओं भाइयों बहनों, दो प्रकार के जैम है, बीजेपी सरकार का जैम है जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, और बिहार सरकार का जैम है जातिवाद और परिवारवाद, अपराध और माइनॉरिटी का तुष्टिकरण। आपने मोदी जी के जैम के पास जाना है, आगे नहीं जाना है। मित्रों, अभी अभी ये गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पिछड़ा समाज के खैरखां होने की बात करी। आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूं, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला। और मित्रों, सर्वे में क्या किया, यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया, अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया, और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया। कि आपने सुना कि अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे थे, वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर अपने संबोधन में नीतीश कुमार और इंडिया एयरलाइंस जो है उस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस अपराध के खिलाफ बिहार की जनता ने उन्हें वोट दिया था, कुर्सी पर बैठाया था, आज उसी अपराध के साथ जो है अपराध की गोद में जाकर नीतीश कुमार बैठ गए हैं कुर्सी के लिए। वहीं उन्होंने अपने तकरीबन 20 मिनट के संबोधन में आधा दर्जन बार जो है नीतीश कुमार को पलटू राम के रूप में बताया। वहीं उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ जिस जनता ने उन्हें कुर्सी दी, आज उसी अपराध की गोद में जाकर नीतीश कुमार बैठ गए हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।